आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। नेपाल में अखन एकटा अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम भेलै, जै समूह के कही नेपाल सरकार विखंडनकारी के संज्ञा देत आयल छलै, जै समूह के समय समय में पकड़ैत आयल छलै प्रहरी प्रशासन, वही स्वतंत्र मधेश गठबंधन के संग 11 बंदा के सहमति कलक सरकार। ई एक किस्म के अय घटना के अप्रत्याशित घटना के रूप में लेल जा रहल छै। वास्तव में ई सहमति संगे एकर प्रभाव देश में आ विशेष कर मधेश के बात करी तो मधेश में ई सहमति के केहन प्रभाव पड़ते। जँ डॉक्टर सी के राउत के बात करी तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन आब केना के बढ़ते, कियाकि आब अय गठबंधन के खुला जे पहले अर्ध भूमिगत अवस्था में छलै गठबंधन, से आब खुला रूप में मूलधार के राजनीति में चल आयल छै। आई अहि सब विषय में बातचीत करय जा रहल छी। एकर लेल आई स्टूडियो में अतिथि के रूप में बजौने छियै भरत विमल यादव के। ओ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आ राजनीतिक विश्लेषक छै। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै। धन्यवाद। ई जे अप्रत्याशित घटना अपने कह सकै छी, 11 बुद्धि जे सहमति भेलै सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच? जी, अप्रत्याशित अप्रत्याशित छै, लेकिन ई बिहाइंड द कर्टन ई अपने के करीब 2 महीना से ई बातचीत चलित रहलै है। 2 महीना के विभिन्न स्तर के बातचीत के बाद में, लेकिन संजोग देखियो कि एके दिन में 2 राजनीतिक घटना भेलै, ओहो मधेश से संबंधित है। एकटा कलाली कांड में राजपा के सांसद के माने कोर्ट के माध्यम से, जिला अदालत के माध्यम से जन्म कैद के सजा दिल गेल है। वही के कैद है ना, वही दिन के सर्वोच्च के फैसला से सी के राउत के सहान तारीख में छोड़ गेल है। अब संजोग गए या संजोग मिलाएल गेल के आगे, संजोगों से ज्यादा ये संजोग पारल गेल है राजनीतिक रूप से। जना आपने कहले बिहाइंड द कर्टन, मतलब किछ, मतलब ई खिचड़ी पहले से पैक रहल छले। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर सी के राउत जखन जेल में रहे 5 महीना, वो जेल में पिछला समय रहले, तो अहु समय में किछ भ रहल छले सरकार आ डॉक्टर सी के राउत बीच? जी, करीब मोटा मोटी 2 महीना पहले से सी के राउत के तरफ से अपने के उनकर बड़ भाई जयकांत राउत आ ओकरा पार्टी के ओकर माने ओकरा बाद के मतलब देख रेख करे वाला चंदन सिंह, जिनका ये कार्यभाग देले अपना हिसाब से मेन ये 2 आदमी सिके राउत के तरफ से राज्य के विभिन्न स्तर पर, पहले तो अभी सब सरकार के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए पहुँचे के लिए उका लोग विभिन्न खोजी से ओकर मतलब चरण सब तो चरण सब पर बात करित करित मिलेबी तो लास्ट स्तर में अपने के वही रात, जे रात अपने के जे दिन के माने अपने हम सब कहे समझौता भेले रात में, अगले रात में 12 बजे मतलब के समझौता भेले के पी ओली जी के सिके राउत के बीच में, माने केपी जी के प्रेजेंस में गृह मंत्रालय या सिके राउत के बीच में भेले। हालांकि सिके राउत के तरफ से बाद में माने ऑफिशियल नहीं कि अनऑफिशियलियो बात सुनल जाए छे कि रात में जे शब्दावली सब मतलब ओहिमे प्रयोग भेल रहे है, जे माने ऑफिशियल जे भेल डॉक्यूमेंट ते में वैसे कुछ हेर फेर है के एक से शब्द बदलल गेले से कहल जा रहा है, यथार्थ यथार्थ की सही से दाब हुए दोनों आदमी के बीच के बात से जी। हम सब तो वह मानबे जे कि मतलब ऑफिशियल आए छे। जना आपने कहलिए कि ई किछ दिन पहले से भरल छे पर्दा पछाड़ी, मतलब एना का सहमति कैल जाए किछ कैल जाए, ई काज पहले ही सब भरल छले से अपने कर रहल छे। एकटा तो भेले कि सरकार चाहते कि सब केओ एकटा मूल धार में आवे, ने कोई ग्रुप रहे कोनो विद्रोही ग्रुप रहे नहीं, तो राज्य के दायित्व स्वाभाविक है सरकार चाहते। बिल्कुल, तो सरकार की इच्छा तो स्वाभाविक रहते कि डॉक्टर सी के राव जो वार्ता करी ये समस्या का समाधान कर, स्वाभाविक बात छे। अब रहले डॉक्टर सी के राउत के बाद जे करीब करीब 6-6.5 साल से मतलब अघोषणे क के अभियान में लागल छै स्वतंत्र मधेश गठबंधन के कराबी, ओहि अनुसार आगा बढ़लै झंडा प्रचार पम्पलेट के बात करी, किताब निकाल के राष्ट्रगान हरेक किस्म के अपन तैयारी कलकै, लेकिन की भेलै 5 महीना में
जैसे कि हुनकर एक किस्म से कहे कि मन बदल गए अब देखा मतलब सहमति में जाए उन्हें सर्फिशियली अपने देखियो तो सी के राव ते अपना के क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत करके मान स्वायत्त मधेश हो नहीं अब हम सब तो स्वायत्त मधेश के लिए हम सब 47 साल से हमसे लड़ते आए वाला लिए लेकिन उ राजनीति के क्लाइमेक्स के जो बात कहे स्वतंत्र मधेश स्वतंत्रता वाली जो बात कहे स्वतंत्र में अलग देश जे छोट सिन बात नहीं छले छोट सिन बात नहीं थी ओके लिए बहुत साहस चाहिए राजनीति के लिए ते मांग लेके अपना के बहुत बड़ा क्रांतिकारी के मतलब प्रस्तुत करके लेकिन जे किसिम से उनकर एक्टिविटीज भेले एक हम सब माने निष्पक्ष रूप से देखी तो सी के राउत अपने के हाई प्रोफाइल राजनीति के रूप में देख जाए लिए हाई प्रोफाइल जबकि हम सब की बोझ अपने कहते थे कि हम महात्मा माने नेल्सन मंडेला के रोल मॉडल मानी छे महात्मा गांधी के रोल मॉडल मानी छे अपने सब कहे कि यू कहे छे कि हमरा सब पुलिस मारे अभी तलत हम सब रेडी से पुत्री के फूल दियो तो आदर्श के बाद एहन छे उनका लेकिन गांधी से तो अखनो छे ना वो दिन जो भाषण भेले है वो बात हम कहो संबोधन क्रम से वो ये बात उनका रहन सहन बोली चाल सब देखो तो हाई प्रोफाइल एक बात हो गई कि अहिंसा अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर से डॉक्टर सीके राउत ये तो प्रमाणित भेले है जना वो कहल के कि हम फूल दिलिए हमरा सब के कोई पिटबो केलक कोई दमो न केलक तो हम सब फूले दिलिए सरकार के धन्यवादो दलके कि हमरा सब के पकड़लक तो फिर छोड़ो दलक समय समय में ना ले के धन्यवाद दलके ये अपने ये की भ गेल कि जे हाथी के जो है देखावटी दाँत से है ना और वो सीके राउत के अपने के एक वास्तविक चरित्र की छह तो एक पार्ट भले अब दोसर पार्ट भले कि जे विचार छे हर विचार के बात करें विचार में बदलाव एल कि वास्तव में विचार उहे है देखियो विचार उहे केना से अपने कहब माने सीके राउत ही अपना विचार के कहल कि हम जो विचार ले से अब हम असहमत भ गए वो विचार असंभव है जे हम सब सूर्य से कहते हैं कि हम सब नेपाल में स्वायत्त मधेश माने संभव है ये माने स्वतंत्र मधेश ये कल्पना से बाहर के चीज है ये बात किया कि सहमति में नहीं थे तो हिसाब से अपने कह रहा था हाँ तो की है आउ तो अपने के आपके वो विचार के तो आदि समापन कर देना वो अपने के जो समझौता के कोने भी आके सोच मरता के पेपर देख भी तो माने कौन महत्व के बात अभी सबसे महत्वपूर्ण बात एक बुंदा दो बुंदा एना क्रमशः दी जाए पहले के मुद्दा में देखियो अपने की कहे सी के राउत की कहे कि नेपाल अविभाज्य है जो स्वीकार कर लेकिन वो आ भौगोलिक अखंडता के रक्षा करने प्रत्येक नेपाली कर्तव्य है कह के ऊपर उच्चारण कर ले तू मान ये शपथ ले रहा है कि नेपाल के भौगोलिक अखंडता के काम करे के लिए हम कर्तव्यपरायण छी मतलब जब भौगोलिक अखंडता हो तब विभाज सी के राउत यू टर्न भ गेलै मतलब अपन जे एजेंडा छलै एजेंडा छोड़ देलकै एजेंडा से प्राण भ गेलु विसर्जन बादी भ गेलु आत्मसमर्पण बादी भ गेलै सिखे रहल छै मान उनका जे मान डॉक्यूमेंट कह रहल छै हम कह रहल छै अपने कह रहल छै से बात नहीं कि जे अपने 11 बजे समझौता 11 बजे समझौता के पहल के बुंदा जे छै ते मु कह रहल छै कि नेपाल एकटा अविभाज्य राज्य छै आ ई भौगोलिक अखंडता के रक्षा करने प्रत्येक नेपाली के कर्तव्य के वो सही कर छै शपथ ले रहलु तो जब नेपाल अविभाज्य जा के मधेश अलग देश बनते के ना नेपाल के बात जना के दुन और बुदा में जे बात छै ओना इहो बुंदा के लक बहुत किसी के बात सब आ परिभाषा के लक बात अबै छै नै जना दुन और बुंदा में जे लिखल छै असंतुष्टि हरलै जन अभिमत में आधारित लोकतांत्रिक विधि बाट समाधान करी नहीं एक तो अपने के अभिमत शब्द के लेके जो अभी चर्चा पर चर्चा आ रहा है तो एक अभिमत और जनमत पर्यायवाची शब्द नहीं है नहीं है ये हम अपने कहा नेपाल ऑपरेशन विद्वान व नेपाल के जो वेद शब्द कोश है सेका देखियो चाहे हिंदी के शब्द कोश देखियो सब तो सिस्टर लैंग्वेज सब है हिंदी के माने बाहर का डिक्शनरी देखियो नेपाली वेदकोश देखियो तो अभिमत और जनमत पर्यायवाची शब्द नहीं है जनमत शब्द से टोटली पोलिटिकल शब्द है या कोने राष्ट्रीय मुद्दा पर मतलब विचार ले जनता के विचार लेवे के तो जनमत शब्द यूज करे और जनमत संग्रह हो अभिमत की भले पीपुल के डिजायर डिजायर अभिलाषा अभिलाषा इच्छा हाँ से इच्छा भले इच्छा तक मात्र रहले कागज में या कहे मतलब बैलेट में नहीं देखल गया हाँ, बैलेट में नहीं देखल हाँ, गया हाँ, पहले का पॉइंट है दूसरा पॉइंट है कि सूर्य मंदिर देखो कि नेपाल को संविधान में प्रयुक्त सार्वभौम अधिकार को प्रयोग कर दे आई के मतलब विखंडनकारी काम सब नहीं कर सके नहीं कर सकते नेपाल को संविधान में प्रयुक्त
नेपाल के संविधान में जे प्रयोग भेले जे अहाँ के नेपाल के संविधान से संबंधित है जे साबम अधिकार अपने के दिस उके प्रयोग अहाँ कर सकै छी वहाँ कबूल करी सुन वही मैंने जे अभिमत अहाँ कहै छी आज सिक्के रावत अभिमत के कोष्ट में लिखे छी जन्म अभिमत के कोष्ट में लिखे छी जन्म संग्रह तो जे अहाँ के बिगड़े राज बनाबे के अहाँ के नेपाल के संविधान दे अहाँ के साबम अधिकार दे अच्छा ये डिक्शनरी कहे नेपाली बृहत शब्दकोश ई कहि रहल छै दुनू फरक फरक बात छै क्लियर से फरक है लेकिन जै हिसाब से वही दिन प्रस्तुतिकरण रहा है डॉक्टर सी के राउत के तो ओहो इस शब्द के प्रयोग मुँह से सेहो प्रयोग केने छे मंतव्य के क्रम में जन अभिमत तो हुनकर ई धारणा है कि जनता अगर चाहते तो अपन जे इच्छा चाहते जे चाहते ते अनुसार अपन जन अभिमत प्रयोग कर अपन लोकतांत्रिक विधि से आगा बढ़ते तो ई धारणा के हुनकर ई मंतव्य के कोन रूप में लड़ल छै वही वही अपने एक वही मंच से लेकिन खुल के नहीं कहने मतलब जे इच्छा रहते पूरा करते अपने। लेकिन कृपी वाले खुल के कह ले छै सी के राव तो अपने के जनता के ठगले छै मधेसी जनता के मूर्ख बनावे चाहे कि बुझी सी मधेसी जनता मूर्ख है लेकिन भूल गए कि बड़ा जिससे जिस जनता को मूर्ख बना मूर्ख चाहते मूर्ख जनता आपको मूर्ख बना देगी बिसर गला वो वही मन से केपी ओली की कह रहा है कि एक इंच भूमि पर नहीं नेपाल भूमि कैसे ले दिन सक दे अब अपन ही के अपन टीवी से हम लाइव टेलीकास्ट हम सुनते रहे अपन ही के टीवी से वही मन से तखुनते केपी ओली जे राज्य के प्रमुख सही सरकार के प्रमुख सही देश के प्रधानमंत्री की कह छी नेपाल को एक इंच भूमि पर नहीं कैसे ले दिन सक दे मतलब अपने की बात से जना कि डॉक्टर सी के राउत मधेस स्वतंत्र मधेस के जे एजेंडा छलै से छोड़ देलकै आब जे विभिन्न दल सब छै जेना कि राजपा छै फोरम छै आओर जे मधेस के दल सब छै ओ दल के हैसियत में कहै हैसियत तो अखन बात नहि करै मतलब ओहन किसिम से आब आगा बढ़तै देश में रहि कऽ तै हिसाब से ओहि स्तर में चलि एलै सीख रहल छी बिल्कुल बिल्कुल ओहन किसिम के एकटा दल खड़ा सही बात एकरा की इतने भेलै कि सरकार एक फेस सेविंग जे 11 बूंद जे बना दल के एक हालांकि सहमति नहीं रही आखिर मानू जे अहाँ के देश से अहाँ अलग करे चाहे विखंडवादी के साथ कहीं राज्य के समझौता भी लिए अति राजनीतिक हिसाब से अबूझ विषय हो जाए छे लेकिन की अलग कि अब राज्य के ओर से एक सिक्के राउत के एक फेस सेविंग के रास्ता दे दें जी अपने फेस सेविंग के बात करे छे तो ई नौबत किया है नौबत डॉक्टर सी के राउत के समक्ष अगर फेस सेविंग के बात है तो किया है ई के पी वाली अपनों के हम देश में सबसे काबिल हम शासक हम सी हम विखंडनवादी के शो हम अपना अति दोष लेवे के लेल कि हम सी के राउत सन विखंडनवादी के हम मिले रहूं कैपेसिटी खाली हमरे में है नहीं तो ये कथा के बात सरकार के बात हो प्रधानमंत्री के पी ओली अपन कार्यकाल के अपन कार्यकाल में हम ई काज के लिए से दिखावा चाहे से अपन प्रभुत्व दिखावा चाहे ई काज के लिए देखिए विखंडनवादी के से मान ले ली दिखावा चाहिए ई भेले राज्य के बात सरकार के बात भेले प्रधानमंत्री के बात भेले लेकिन डॉक्टर सी के राउत मतलब अगर यू टर्न लेने छै तो एहन नौबत किया एलै नहीं अपने कहे अगर से अगर वाले बातें नहीं छे अपने जब अहाँ के अभिभाज्य कही दिल्ली नेपाल अभिभाज्य है तो अपने कहते यू टर्न स्वतः साबित भ गेल ना अपने राज्य के हम अथि भूगोल के हम नेपाल के भूगोल के हम विवाद न कर सकै छी जब अहाँ कहलिए तो अपने के मूल मुद्दा स्वतंत्र मधेश स्वतंत्र मधेश कहाँ से आए तब नेपाल के टुकड़ा तब ना अपने के स्वतंत्र मधेश तो अपने तो मुद्दा तो अहाँ छोड़ दिन मुद्दा अहाँ विसर्जन कर दिए कारण की रहल होते अपने जब कारण देखो अपने हम कह रहे छी हम अपने हमने अपने के फेसबुक के अपने स्टेटस देख लो तो हम सेकंड पॉइंट में दिले छी हम एक दूटा कारण बतेले छी हम कन्फर्म होकर नहीं कहले छी एकटा कारण हम की कहले छी कि ये दूटा कारण के उपज भ सकैए एक तो सी के राउत के राजनीति स्वविवेकहीन राजनीति के कारण से ही भ सकैए स्वविवेकहीन शब्द यूज कर रहा छी कि भ रहा है या सी के राउत राजनीतिक जते सहज रूप में लेलकै जते हाई प्रोफाइल के रूप में करके हम राजनीति कर ले राजनीति वो तो हाई प्रोफाइल नहीं कि जब ये पांच महीने के जेल जेल बास के जे माने कष्ट में अति भेले अपने के जीवन बिताए पड़ल तो वही से कारण से वही कारण से विचलन उनका भ सकै छै अपने कह रहल छी हुनकर व्यक्तिगत कारण जे जेल में पांच महीना रह पड़ले यदि ओहन बात रहितै तो हुनका त जाने के खतरा छलै ने हुनकर जे अभियान छलै देशे टुकड़ा करल बात तो हुनका त मतलब जे हिम्मत मतलब ई त सामान्य बात नहीं छै कि देश टुकड़ा करब
बजनाइ, सार्वजनिक रूपमे बजनाइ, ओ अभियान लऽ कऽ चललै, तऽ हुनका लेल तऽ सामान्य बात नहि छलै। जहाँ तक थ्रेटके बात करी तऽ पल पल हुनका ऊपर थ्रेट तऽ छलै ने, लेकिन जेलमे रहलैके कारणसँ ई हम एजेंडे छोड़ि देबै से हुनकर दिमागमे अयलै। देखे जब जब राजनीतिक लोक जब थकित हो जाइए तब विशेषणवादी अपनेके सोच हुनका पलपै छै। राजनीतिक अपने इतिहास विश्व राजनीति इतिहास देखब तो अपने का नेपाल के था गेलै, मतलब था गेलै बिल्कुल, या तो था गेल होता वो जी, या कह हम सब कहलन, या उनके स्वविवेक हीन राजनीति के कारण से होते। लेकिन हुनकर तो एकटा जे हु किताब अगर सब जे हुनकर प्रकाशित भेल छै ओय तो प्रश्न में लिखने छै कि अखनते संभव नहीं छै, 10-12 वर्ष तो लगते। एकटा बात अपने के हम कहे छै अजय बाबू, विद्युता अलग चीज छै आ राजनीति के लिए विद्युता वो तो जरूरी नहीं जी, जैसे कि सिद्धांत निष्ठा, राजनीति ईमानदारिता, नैतिकता आवश्यक थी। नैतिकता ईमानदारिता तो सब देखल गए ना उनका में, कहाँ देखल गए? अगर अगर नैतिक रूप से ईमानदार है तो जैसे मधेस के युवा को बगरा दिलखिन जो स्वायत्त मधेश के जो मधेश के युवा के झुकाव वाले उनका जे नहीं हम अपन स्वतंत्र मधेश लेप के जो बरगलखिन नीडर, ईमानदार नेता के रूप में चिन्हल जाए छले नहीं किसी से। जब तक सुनल जाए, जब तक अपने के कोनो भी चीज के माने वस्तु स्थिति के वास्तविकता न पता चलत ताले तक तो मतलब अंडर द कटर रहे छी ना, जब वो पर्दाफाश होइ छै तब वास्तविकता चलि छै कि कोनो व्यक्ति के चरित्र की छै। अगर ई निर्णय हुनका लिए पड़ले तो ई स्वैच्छिक छलै या बाध्यता? वे बात हम अपने के कहलौं ना, अब हमरा सके बाध्यता हम अपने कहै छी ना, दू कारण भऽ सकै छै, या तो थकित भऽ गेला या स्वविवेकहीन राजनीति कारण, मानु राजनीति में वो अपने विवेक से ही माने जो नारा दे स्वतंत्र मधेश से वो अपने विवेक से दिल छह कि वह कहीं से प्रसारित होकर दे छला है। इधर तो सब इधर बिहाइंड कॉटन के बात जी, ये बात का लेकिन ओका तो हम माने हम ठप्पा मार के हम ना कर रहा थी, हम यह सब प्रयोग कर रहा थी ना, आइदर और कारण अब कौन भसा किसी तो कारण तो मतलब आप समय बताते ना, लेकिन वो अपना के साबित करे कि जे हम विचार लेके चली तली से हमारे विचार के माने गलत छो विचार माने आकलन कल जाए छे। जना कि डॉक्टर सी के राउत ओते दिन से आई अभियान में लागल छे, देर बेर अपने 5-6 वर्ष कोनो खास बात नहीं, देर बेर जेल में गेले नहीं, देर बेर जेल में गेले छुटले ओते थेर छले उनका ऊपर नहीं, लेकिन तहियो 24 गते से पहिलका तक के बात करी त हुनका एकटा नीडर ईमानदार कहल जाय छले। एकटा बात की देखल गेलै कि डॉक्टर सी के राउत के साथ देवला अइ 6 वर्ष में, साथ देवला के मतलब एकटा होइ छै ने, मतलब एकटा लीडर भेलै तै के बाद होइ छै मतलब ओहन व्यक्तित्व सब कार्यकर्ता सब जे हिसाब से जन्मावक चाही जे फ्रंट में बाजे नै से नहीं भेटले से एकटा कारण भ सके तो उ कमी कमजोरी अपने कया देबे, उ कमी कमजोरी सिक्के राज जी के क्षेत्र को कमी कमजोरी दोसर अपने नेता सिद्ध कार्यकर्ता बनावे के दे तो अपने के ना है, अपने माने नेता के लगा के चाहिए कि असगर पेर गेले नेता तो अकेले होइ छै ने, नेता अकेले होइ छै। फेसबुक में देखल जाय छलै, फेसबुक जी फेसबुक में देखल जाय छलै, हां फेसबुक में तो जब उनका फॉलोअर नहीं भेलन तो वो बुझ गए कि भाई हमरा आए जे मान माने वाला कोई नहीं आए तो अब हम कड़ाई में लटका लो तो हम फेसबुक के जब बात करी तो हुनका से टक्कर ले वाला नेपाल के कोनो मधेसी दल नहीं छे नहीं, फेसबुक के बात करी तो ने राजा पास है ने फोरम छे, फेसबुक के बात करी तो बेगान के छलाहु अपन बात है तो विद्युत तो अपने बाहर हुनकर जे हिसाब से देखे के चाही से हिसाब से हुनकर पाछा लोक नहीं देखल गेले या फ्रंट में नहीं गेले। सुन कहना है अपने गलत मुद्दा लेके अगाड़ी बढ़बे तो अपने मुद्दा जी जे समत रहे ना अपने के पास माने अपने के साथ दे नहीं तो यो बात है ना, लोकतांत्रिक पद्धति जना आई बेर बात एले लोकतांत्रिक पद्धति के जना सहमति भेले तो ऊ एकटा बोल के अधिकार फंड बाज के अधिकार कुंठित तो कैल गया छे ने, धर पकड़ के बात छे विभिन्न किसिम के बात छे, कोनो कार्यक्रम करे छे तो धर पकड़ भय छे तो इहो कारण से उ तो अपने के ये लाउर तली कि उ अपने के संविधान के विपरीत जाके अपने के देश विघटन के बात कर विखंडवादी सोच के लिए गाड़ी बड़ी सड़ी ते पर रोक छे उनका, लेकिन अब सीधे माने
अपने के नागरिक स्वतंत्र के लेल तो कोनो रोक टोक नहीं रही, अपने के संविधान के अनुसार के अपने मांग रखबे, जहाँ मधेश पार्टी सब रखे छे, हम अहाँ सब रखे छे, तो ओहिपर तो कोनो रोक नहीं छे। नहीं तो वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तो छले नहीं पर ई बात पर नहीं, अखंडता के लेके हम कह अखंडता के लेल बात करे छले पकड़ के लाए छले। सुनो ने हमें जी, ऊ तो अपने के जबे अपने देश के संविधान के बरखिलाफ जबे, तो कोनो भी देश के संविधान के बरखिलाफ जो देश के जे राज्य हो ऊपर आ के प्रतिबंध लगा। मतलब डॉक्टर सी के राउत के अपन जते थ्रेट हुनका ऊपर छले तो ओते थ्रेट के आभास क क एक होइ छ न दोसर हुनका साथ दे वाला किस व्यक्ति त छले, लेकिन आओ जे एकटा समूह होइते एकटा से नै भेलै। हम एक बात अपने कहल जाय, सिक्के अदालत पर ज्यादा सुरक्षा थ्रेट रहली कि जय कृष्ण गोइत पर ज्यादा सुरक्षा थ्रेट छै? सिक्के अदालत सशस्त्र के बातो न करै छलै राज ओकरा डायरेक्टली, तो ओकरा मतलब खत्म कर देती से तो राज करिए न सकैत रहलिए। माने अहिंसात्मक आंदोलन के राज्य मतलब ओकरा शूट आउट करते से राज कर न सकते रही अपने के। हाँ अपने आप चोरा के अहाँ के इनकाउंटर देखा के मार दू तो अपने के गलत तरीका, वह हम कह रहा थी, वह हम कह रहा थी, वो अपने गलत तरीका है। लेकिन सी के राव तो सशस्त्र आंदोलन के बात ना करते रही, अच्छा जब सुरक्षा थ्रेट के बात करी तो सी के राव से तो कहीं माने सुरक्षा थे अपने जय कृष्ण गोद पर से जय कृष्ण तब गोद तो भले सफल भला अभी अभी सफल ना छे तो, लेकिन अपन विचार तो क्या करें। अगर निचोड़ में कहल जाए तो ई सहमति जून कैल गए, ई सहमति स्वेच्छा की बाध्यता या लालसा राधा के रे मूल राजनीतिक धार में आवी, मूल धार में आवी से एक लालसा पहले छे हुनका अपने देखल जाए। ये अपने जते शब्द यूज करै छी ते में से कोनो भी भाषा के छी या सबो भाषा के छी। अखन ब्रेक लड़ल छी दर्शकवृन्द, अखन ब्रेक लड़ल छी, ब्रेक बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहतै। ब्रेक बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छथि भरत विमल यादव, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आ राजनीतिक विश्लेषक। हुनका से आई बातचीत कर रहल छी जे पिछला राजनीतिक घटनाक्रम किछ नयापन देखल गेलै, डॉक्टर सी के राउत संगे सरकार 11 बंदा के सहमति केलकै, आब देश आ मधेश के राजनीति केना के आगे बढ़तै एहि विषय में बातचीत कर रहल छी। भरत जी, जेना अपने कहलिए ई किछो भऽ सकैए, डॉक्टर सी के राउत जे सहमति केने छै बाध्यता भऽ सकैए, लालसा भऽ सकैए, इच्छा भऽ सकैए, किछो भऽ सकैए। जहाँ तक सहमति के बात करी तो हुनकर कार्यकर्ता हुनकर जे नेता सब छै तो हुनका सब के कथन के बात करी तो वो सब कहे छै ने पहले तो एक किस्म से अर्ध भूमिगत छलिए हम सब, लेकिन आब तो खुल कर राजनीति करबे, आब तो खुल कर स्वतंत्र मधेश गठबंधन के बकायदा ऑफिस स्थापना करबे, विभिन्न ठाव में जिला जिला में कार्यालय स्थापना करबे, आब भेटल स्वतंत्रता हमरा सब के ई आवाज बुलंद कर के तै हिसाब से वो सब परिभाषित कर रहल छै ई सहमति के। नहीं अपने गलत बात है, ये अपने के सहमति विपरीत के बात होते आ ये किसी में गाड़ी वाला पर सिक्के राउत के मतलब सहमति बात कह रहा है कतौ जी नहीं, सहमति ये बात के लाओ नहीं करी, सहमति अपने के स्वतंत्र मधेश के अपने के लाओ नहीं करी थी, नहीं स्वतंत्र मधेश के नहीं करते होते, लेकिन कार्यालय खोल कार्यालय माने संविधान अनुसार ये 7 नंबर बुदा है, 7 नंबर में तो यह छे कहने जी कल अपाउटा में 7 नंबर 7 नंबर बुदा में कहने छे पास संविधान बंगो जी जी। स्वतंत्र मधेश गठबंधन का नेता कार्यकर्ता तथा समर्थक हरुलाई नेपाल को संविधान प्रदत्त अधिकार को प्रयोग गर्दै हाँ, हाँ, नेपाल भित्र बसोबास गर्न हाँ, हाँ, जीविकोपार्जन गर्न हाँ, संघ संस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधार को राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरे बापत राज्य द्वारा कुनै प्रकार को कारवाही गरिने छैन, पार्टी खोल सके पार्टी खोजे, लेकिन संविधान प्रदत्त और मूलधार को राजनीति, मूलधार को राजनीति, संविधान प्रदत्त मूलधार को राजनीति, संविधान में तो लिखले छै अखंडता के विरोध नहीं कर सके छी, ना कर सके छी, नहीं कर सके, ना कर सके छी, अपन पार्टी खोल सके छी। लोग लोग यो तुलना करै छै लोग बाबा कमल थापा राजतंत्र के बात करै छै, ई कहि कहि जे हिंदू धर्म के बात करै छै वो तो संविधान माने विपरीत भेलै, लेकिन लोग ई नै बुझि रहल अछि कि अपने के धार्मिक विषय चाहे गणतंत्र हो या हिंदू धर्म हो आ शासन शासकीय व्यवस्था गणतंत्र हो या राजतंत्रात्मक यहाँ के संशोधनीय विषय है। संविधान में अपने के द्वितीय बहुमत आयला अभी के पी ओली के सरकार चाहे आप तो हालांकि ये राजपा निकल गई है, राजपा के लेकर तो रैली 2/3
तो टू थर्ड रही, तो चाहती तो राजतंत्र ला देते, वो हिंदुज्म ला देते, संशोधनीय विषय, राइट, संशोधनीय विषय, संशोधनीय विषय पर अहां जनता संगे सो कर सके छी जी, लेकिन भौगोलिक अखंडता असंशोधनीय संशोधनीय विषय छै जी, लेकिन वो पर अहां सवाल नहीं उठा सके छी, ओके लेके अहां मतलब ये पार्टी खोला बा, पार्टी के नाम स्वतंत्र मधेश गठबंधन राख सके छी, नहीं नहीं स्वतंत्र मधेश अहां नहीं राख सके छी, तो से नहीं कहने छै ने, अभी नहीं कहे स्वतंत्र मधेश गठबंधन का कार्यकर्ता न कहे जब जब यहाँ पार्टी करते राइट, जब यहाँ दर्ता कर निर्वाचन हो गए निर्वाचन कहने की पार्टी खोल सकती लेकिन अहे नाम धक खोल सकती से नहीं अब स्वायत्त मधेश नाम राख सकती छी, स्वायत्त मधेश गठबंधन राख सकती छी, स्वतंत्र मधेश के अपने गठबंधन अहम नहीं राख सकती छी, जब यहाँ निर्वाचन आयोग में दर्ता के लिए जब निर्वाचन आयोग अहाँ के संविधान ई संविधान आ निर्वाचन आयन देखत ओहि संग अहाँके मिलत दर्ता करत, नहि मिलत दर्ता नहि करत, अपने सहमति संग संगे डॉक्टर सी के राउत के पार्टी के नाम या कहीं गठबंधन के नाम परिवर्तन करही पड़ते, करही पड़ते निश्चित रूप से, वो अपने के मैं डेट श्योर छे, वो अपने के वो अपने सी के राउत खुद कह रहे वो करा पड़ते, या ते के बाद स्वतंत्र मधेश गठ स्वतंत्र मधेश के नारा नहीं लगा सके, नहीं लगा सके वो, नहीं लगा सके वो, फिर अगर नारा लगा तो फिर जेल जाते, फिर वे बात भले अपने के भी फिर विखंडनवादी होते, तो वो पुनः मुझको भाव फिर पुनरावृत्ति बहुत है, ये बात के धरपकड़ वाला जी, है। जी जी अगर एना जाओ जी जी आ यही कहां सबने देखल जाए, हालांकि देखिए सिक्के राउत के अभी अपने के सुरक्षा कार्ड उपलब्ध कराएल गए, उस सिक्का के जन दूटा पटा हो ना उसका दूटा पटा है, एक कल ही जा रहा है कि सिक्के राउत सुरक्षा के लिए कोई कोई जासूस के लिए दोनों है, राज उन्हें राज तो फालतू नहीं हो भी राज्य सिक्के राउत के जना वो अपना कार्यकर्ता के साथ गद्दारी करके है, तो वह कार्यकर्ता कहीं मार दे कि ये राज के अति पछड़ भेज के कर्त को मार सके, कार्यकर्ता तो कह रहा है आप तो हम खुला रूप से भाषण करब, खुला रूप सब कार्यकर्ता मैंने कह रहा है, अपने के कार्यकर्ता में दू ग्रुप लोग से अपने के कार्यकर्ता से विरोध भ रहा है, कार्यकर्ता डिवाइडेड से अपने के जे थकित कार्यकर्ता से जे खाली मलाह खा के फिक्र में चलिए से सब मतलब सपोर्ट कर रहा है, आ जे सच्चा मन से रही अपन अपन स्वतंत्र मधेशवादी से विरोध कर रहा है, हमू सब पास में तो मतलब विदेश के किसी उदाहरण सब के स्कॉटलैंड विभिन्न ठाव के बात सबसे कल जाए जन्म संग्रह कराबी जन्म संग्रह में जाए के लिए मतलब कते मतलब रोक सके सरकार देखल जाए, जब भी एक अपने की हुई थी माने जब एक क्रांति अशब्द कहे थे ना जगह सशस्त्र आंदोलन कहूँ एक हम बात किले शब्द कहल सशस्त्र आंदोलन जहाँ तक सफल न हो आतंकवाद कहल जाए थे, सफल हो जाए तो वो क्रांति कहे थे, हमें यहाँ के देखें कि हम गीता प्रसाद से लेके के पी ओली प्रचंड शब्द पहले आतंकवादी रहे पंचायती राज एक गिरिजा प्रसाद के आतंकवादी कहे और राष्ट्रीय तत्व तो कहे के पी ओली का राष्ट्रीय तत्व तो आतंकवादी कहे, अगर वे सब अखुंती देश के मसीहा सब चाहिए प्रचंड के ये सेवा देवा आतंकवादी कहे के 50 लाख के एक राइडर अथी पुरस्कार उठल आ वे जब समझौता भेजे तो प्रचंड अपने के क्रांतिकारी भे गए, तो सशस्त्र आंदोलन जब तक अहाँ सफल नहीं हो आतंकवाद हो सफल होने के बाद क्रांति हो जाए, जना कि अब आबादी सशस्त्र आंदोलन के ये संविधान जन क्रांति तो मान ली हमारे संविधान अपने के जी है कि ना, जब तक अहाँ आंदोलन से आंदोलन के अपने के ये क्षमता हो कि वो कोनो भी देश के संविधान के बदल सकी है, हम ही सब बदल लिया के राजतंत्रात्मक संविधान के 47 के संविधान के हम ही सब बदल के गणतंत्र ले लो अपने सब जी, तो काल माने सशस्त्र आंदोलन आई अपने कह रहा है अपने जयकृष्ण गोयल जी काल अपने ये आंदोलन में रहता ही सिक्के राउत ती आंदोलन के मार्फत से उस संविधान के बदल सके था ना, वो स्वतंत्र आंदोलन के एजेंडा के बात है ना, तो आर आंदोलन आप तो अपने सरेंडर कर गया ला, तो जब उस संविधान हम मान ले लिया तो संविधान के अनुसार जब जो भी तो संविधान आके अखंडता के विरुद्ध में जाकर अधिकार दे अपने के ना दिए संविधान प्रदत्त हाँ चल भाई संविधान प्रदत्त अपने अधिकार प्रयोग कर भी तो संविधान प्रदत्त अधिकार में तो अपने के भौगोलिक अखंडता के विरुद्ध में जाके देश के विभाजन करे के अधिकार अपने के न दिले है, जन जन अहिमत के जे परिभाषित जना कहल डिक्शनरी तो एक चीज परिभाषित कर रहा है जे हिसाब से डॉक्टर सिक्के राउत के संबोधन अल तो हर परिभाषा से कि जन्म संग्रह से
हुनकर जे भर्सन छै ओ जनमत संग्रह मानि रहल छै एकरा जन अहिमत के किछु एमाले के नेकपा के बात करी नेकपा के नेता सब के बात करी तो ओ सब एकरा जनमत संग्रह मानि रहल छै ई राजनीति में खास ई सब की छै मतलब हम अपने बात क्लियर सब कह जे नेपाल के राजनीति या पार्टी के राजनीति में अपने के इंटरनल खास करके हम जना अपना महसूस भ रहा है केपी ओली के में दोष मैंने दोष दिखावे के बातचीत भ रहा है। हालांकि अपने के एक बात हम कह जी जहाँ अभिमत शब्द भेली ना तो अभिमत जन अभिमत की होती जनता विचार करे के एक माध्यम जनमतो संग्रह है नहीं से बात नहीं है एक माध्यम वे खाली से पर्यायवाची नहीं है लेकिन एक माध्यम जनमत संग्रह शुरू है लेकिन जन अभिमत अपने के मतदान के हम सब अगर मतदान करी छी वो जन अभिमत प्रकट करे के माध्यम छै जे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम सब फॉलोअप कर रहल छी ने हाँ ठीक है एक बात भेल कि मान लू एक किस्म से अगर कह रहल छै कि जन्म यदि डिक्शनरी में अलग अलग परिभाषा छै मान लू जन्म संग्रह है अगर ई छै तो ओय के लेल तो ओय के माहौल बनेते नहीं तक बाद फिर चुनाव के प्रक्रिया में जेते लेकिन रहले कि जब प्रचार कर दे तब ने माहौल बनते प्रचारे में सरकार मतलब या कहीं संविधान रोक रहा है वो बात है उहे मैं संविधान तो का पूरा मतलब फुल स्टॉप लगा दल के लेकिन मान लो अगर जनमत संग्रह हो छै तो संविधान अपने की कहिए जनमत संग्रह अहा के जे संविधान जे अधिकार देले है ना राष्ट्रीय मुद्दा वही पर अहाँ करा सकै छी भौगोलिक जे कि अहाँ के भौगोलिक अखंडता पर अहाँ जनमत संग्रह न करा सकै छी अहाँ के राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है जाके जनमत संग्रह कराबे के लेल तो वही विषय में चर्चा हो पड़ले बात उठा पड़ले किसी में कहते संविधान संविधान का मंजूरी देवे पड़ले संविधान में रोक रहा पहले ही रोक रहा संविधान अगर रोक रहा है भौगोलिक अखंडता पर अहाँ बहस न कर सकै छी हाँ अहाँ के शासकीय व्यवस्था जो है ना गणतंत्र की राजतंत्र हिंदू धर्म के गणतंत्र यहाँ बहस कर सकते निचोड़ में कहा जाए तो आप ये मुद्दा उठा नहीं सके है उठे तो फिर धरपकड़ हेतु मतलब आप सरकार कहे तो सरकार आगा बढ़ गए विषय में से अपने कहते जी राज जीत गए राज जीत गए सहमति राज जीत इस सहमति में राज जीत गए सी के राव थे हार गए सी के राव थे खाली का फेस सेविंग करे के लिए अपने के ग्यारह बुंदे डॉक्यूमेंट बना दे कि ये डॉक्यूमेंट के एटा वही के लिए अपने खाली कहता कि अपना वो कनका आश्वासन दो। अब प्रभाव के बात करें यदि वो मूलधार के राजनीति में चल आयल छै सहमति में तो यह कहे मूलधार के राजनीति वो प्रवेश कलखिन प्रवेश कला के बाद मधेश किनी दल में स्वतंत्र मधेश गठबंधन भले नाम बाद में परिवर्तन भ जाए अ गठबंधन के प्रभाव मधेश में कते पड़ते मधेश किनी राजनीति दल पर या मधेश में देखल जाए ये एक हाँ बा बड़ा बढ़िया बड़ा संगठन ठहर एक हम दो किस्म में जवाब देव अपने के दूटा प्रभाव एक दलीय प्रभाव एक राष्ट्रीय प्रभाव दलीय प्रभाव में की जाएगी आप अपने जे भी नाम राखो ये स्वतंत्र मधे सी के राउत के पार्टी जो बनत वो अपने पान में जो अभी प्रमुख मधेश के दूटा पार्टी रहे तेसर पार्टी बनत अब मधेश के अभिमत एक पास में कते जाए से कल भविष्य के बात है लेकिन आकलन हम कर सके कि एक पास लोग को झुकाव होती थे कला होते पहले तो एजेंडा तय करना पड़े ना जी 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 कहला कि आप तो एजेंडा कहे तो एक किस्म से कहे सुसुप्त अवस्था में जी जी सुनो सहमति संग सुनो जाए ना आखिर स्वतंत्र मधेश से छोड़ दल का तो मान लो आखिर मधेश के जनता राज्यपाल चाह छोड़ दल के से हम आ कह रहल छी या कई कागज कह रहल कागज कागज करते लेकिन आब हुनकर प्रतिक्रिया की हेतै अकेला अखन तहर सहमति के बाद हुनकर औपचारिक कोनो प्रतिक्रिया नहीं आयल छै नहीं ओहि दिन जे संबोधन भेलै तकर बाद कोनो प्रतिक्रिया हुनका से नहीं आयल छै नहीं ओ आइ जनकपुर से आबि रहल छै आब भ सके किछ प्रतिक्रिया आबि सकैए वास्तव में स्वतंत्र मधेश के बाद ओ निकालै छै कि नहि निकालै छै ई महत्वपूर्ण बात छै ताहिके बाद हम आ कह सकै छी कि वास्तव में एजेंडा छोड़ने छै कि नहि छोड़ने छै जी आइ तऽ अपने के ध्रुव शतमानु को अब सिक्के राव स्वतंत्र मधेश के बात आप कहिए ना सकिए क्या कहा जेल से इतने डरा गए थे जे आदमी जेल से डराए तो राजनीति में कि कष्ट जीवन से डराए तो राजनीति के क्रांतिकारी नेता कहाँ से बनत अति अपने के नेल्सन मंडेला के मानित अपने के रोल मॉडल नेल्सन मंडेला 17 वर्षों तक अपने के जेल जीवन से डरा ले नहीं डरा ले लेकिन क्यों है कि अगर मान लो ठीक से स्वतंत्र मधेश के बात करता तो अलग बात है लेकिन जी डॉक्यूमेंट तो इसे नहीं कह रहा है तो जब तेसर पार्टी बनती मधेश के ताकि मधेश के जनता राज्यपाल के या चाहे फोरम के अपना वोट न दे के इनका कड़ा वोट देते प्रश्न शो उठी से
पहले एजेंडा तय करय पड़ले आ जी तई एटा यो अपना पार्टी पार्टी मधेश में एटा दुटा पार्टी के छोड़ के त आउर बहुते त नगण पार्टी सब छै बिना मतलब के पार्टी सब मधेश में छै ने जे आ कोनो नाम जानी छै लेकिन दरता त छै कि सब नाम कह के दलकत माने दलकत माने माने मधेश के जनमत में एकापति झुकाव होते हम कनको संभावना नहीं देखे नहीं तो चित्र एजेंडा तय करते ने झुकाव है कि नहीं जी जे किसी से अभी अभी तक के हम सब विश्लेषण डॉक्यूमेंट देख तो मतलब अभी तक विश्लेषण नेपाल कायम रखे आगा बढ़ा के राजनीति कर पाब सक हो तो तय अनुसार वो अपन एजेंडा तय कर सके मधेसी के पहचान के बाद अधिकार के बाद विभिन्न प्रतिनिधित्व के बाद जे और दल सब करते मुद्दा नहीं रहते तो आखिर ये तो भले अपने के दलगत प्रभाव राष्ट्रीय प्रभाव के हम अपने के अब ये हम अपने मन में प्रश्न उठ रहा है भगवान करो कि ये हमारे प्रश्न के जो हम उठ रहा है जो गलत हो जाए जी अपने के एटा की रही कि सिक्के राउत के आवेश से पहले राजनीति में आवेश से पहले मधेश में सशस्त्र स्वतंत्र मधेश अलग राज बनाए वाला सशस्त्र आंदोलन के पकड़ कुछ ज्यादा रहे जय कृष्ण गोत लगाइत के माने जितने पार्टी छाला है पार्टी सब उस सब प्रति लोग के झुकाव ज्यादा रहे एक कारण से आगे आतंकी गतिविधि ज्यादा मधेश में रहे जबकि एक अला के बाद में अपने के शिकायत अला के बाद में लोग एक युवा तुर्क में ये कि जब हमारा ये शांति वातावरण से माने अगर स्वतंत्र मधेश मिल जाए तो हमसे आतंकवादी में करा जाओ तो शिकायत तरफ लोग झुकाव भले लेकिन सिक्के राउत का विसर्जन के बाद हमारा मन में डर है एखन युवा तुर्क जो है तेकर झुकाव पुनः सशस्त्र आंदोलन तरफ न हो जाए से एक डर से एक हमारा डर भ रहा है आखिर मैं जय कृष्ण गोइत लगायत के कारण इवन बाद में आके सिक्के राउत के शुभ कारण मधेश में स्वतंत्र मधेश के भावना तो पहले से कहीं ना कहीं ये स्फूर्त तो भर गए भले वो 5% हो 10% हो लेकिन स्फूर्त भर गए थे भावना तो भावना इतने जल्दी अपने के सुसुप्त हो जाते वा सुसुप्त हो जाते लेकिन डेड हो जाते इससे कहना तो कनका हमारा असंभव बुझा रहा है जी अब एक प्रभाव की बात करी सरकार डॉक्टर सिक्के राउत संगे 11 बूंदा के सहमति कने इस सहमति कहीं ना एक तीर में 2-3 निशाना लगा दिलक तेहन किस्म के बात से सरकार सिक्के राउत संगे सहमति हुनका एक मूलधार के राजनीति में आने में तो सफल हो गए लेकिन वही संग संगे किस दल के जना कि राजपा के बात ओना तो प्रधानमंत्री ओ दिन संबोधन में कहने से राजपा के तक बाद विप्लव समूह के हुनका से प्रहार कलक या कहीं हिम्मत जुटले आप सरकार के या राजपा के तह लगाव के बात हुए जना कि समर्थन फिरता ल लेने से राजपा ने तो राजपा के केना का आब मधेश किनी दल या कहीं दूनर प्रदेश में केना का अपन प्रभुत्व जमाबी नेकपा एक बात हो सके ने आ दोसर विप्लव समूह कतौ ने कतौ कमजोर करा ला कमजोर करा आब तो असगरे पड़ गया है से देखा वाला सेहो इस सहमति केने से सेहो कहल जाए एक बात अपने के देखल जाए विप्लव समूह के सिक्के राउत के ये समझौता से कोनो खास फर्क पड़ते से हमार न बुझा रहा है विप्लव समूह के राजनीति के अलग किस्म के राजनीति जो माओवादी अलग रहे लेकिन एक ता सपोर्टिंग फैक्टर तो कतन कतो छले ने मतलब नहीं अगर मान लो अगर सिक्के राउत के सिक्के राउत अपने सशस्त्र आंदोलन में छिते नहीं छिते नहीं छले छिते नहीं छले माने अगर सिक्के राउत सशस्त्र आंदोलन में रहते जन जय कृष्ण नहीं मूल रूप से देखल जाए तो नेपाल सरकार के दृष्टि से अगर देखल जाए तो नेपाल सरकार इहे दुटा समूह के डॉक्टर सिक्के राउत आ विप्लव इहे दुटा के बेसी मतलब इहे दुटा के मतलब कपार दुखा के विषय कही ना दुटा छले बनल ने सिक्के राउत के तो अपने के वो दबा के तो ना लाइफ सकल की सिक्के राउत पर तो वो टेक्निकली आइटा की कल जाती होगा माने सिक्के राउत के इटा क्यों है जी टेक्निकली जीत जीतना है आइटा क्यों है जी वो क्रॉस करना है हमने मन भावना अपने बुझी तो है तो क्रॉस करके तो ना लाइफ सकल की होगा ये का टेक्निकली होगा मतलब का लड़की है से बात है दूसरा बात विप्लव के जो माओवादी टाइप के राजनीति सशस्त्र राजनीति जो अलग टाइप की हाँ
विप्लव के राजनीति भले अभी जयकृष्ण गोइत के राजनीति प्रधानमंत्री के संबोधन ले हुई तो सीधे विप्लव समूह के लुटेरा समूह कह देने छे कह देले छे एक बात कभी की अपने का प्रधानमंत्री जन कर्मा पर पद पर आदमी कभी कभी गृह मंत्री से कड़ाई के साथ प्रस्तुत हो वाला बात कड़ाई के साथ अपने कहबे आ लुटेरा शब्द प्रयोग करबे शब्द चयन कनका प्रधानमंत्री जी के स्तर के लोक का शब्द चयन में हमारा कमी कमजोरी हुई आई है इस ज्यादा हम नहीं कहब अपने के पदीय मर्यादा का स्तर अपने के स्व काम करे के चाहिए अपने जे पद से पदीय मर्यादा कमिटी में काम करियो लेकिन ते के लिए उनका सब शब्द पर हम नहीं जाते समय के लुटेरा समूह नहीं कहक चाहिए अगर राजनीति समूह नहीं है राजनीति बात न उठाबी हां और आतंकवादी को आतंकवादी कह सके छी आतंक क्रिएट बना कर रहा है आतंकवादी कहना है वो तो एक दूसरे के देखे के दृष्टिकोण फरक है ना वो बोलछा विप्लव समूह कर रहे हम सब क्रांतिकारी आंदोलन में छी से कर रहे सफलवादी आखिर माने विप्लव काल के विप्लव क्रांतिकारी है सफल हुआ तो फिर जी काल के माने अपने के प्रचंड काल के विप्लव से कि नहीं छी तो प्रचंड क्रांतिकारी है कि जन क्रांति के नेता है कि नहीं विप्लव राज्यों का सम्मान दे रहा है नोबेल प्राइज का बात कर रहा है विप्लव के अलग चैप्टर है ना हाँ ये कि एक एक अपने एक से जोड़ सके छी मधेश के पार्टी सब से जी अब राजपा विशेष के ओ दिन संबोधन में से राजपा के विषय हां तो राजपा के समर्थन देने के दो तीन घटनाक्रम में जे भेलै लगातार है राजपा के राज्य के अपने के समर्थन फिरता रेशम चौधरी के जेल जन के राजपा के समर्थन फिरता सीके राउत रिहा फिर संबोधन सहमति जी हां तो राजपा के तो प्रधानमंत्री चुनौती दिल की एक सिम से कि तो अब तो किसी न हो तो बगम फूस से अब तोरा काउंटर देवे के लिए लिए लियो आ भाषा किसी किस मधेशी दल के काउंटर देवे के लिए केपी ओली में ऐसे के रावत में मिली बकत हुई सीके केपी ओली के तरफ से बिहाइंड द कर्टेन सीके रावत के असिस्ट कल जाए मधेश में एक थर्ड पार्टी बनाबे के लिए ओकरा मतलब सशक्त बनाल जाए जो भ सके बिहाइंड द कर्टेन जी संभावित एक तीर से दो तीन टा निशान आ जाए के राजपा के मतलब देव फेट राजपा जरा आशा पर मतलब अपन आशा विश्वास पर अपन भरल है प्रफुल्लित ओकरो कहीं फेट हो अब अंत में से चल रहा मधेश के राजनीति अब घटनाक्रम के बाद कौन रूप से आगे बढ़ते छोट में अभी हमें बोले तत्काल अपने के तत्काले एक शॉर्टकट रूप में देखल जाए तत्काले एक मतलब कोनो खास विशेष विशिष्ट किस्म के बदलाव होते तक संभावना नहीं देखे तत्काल के लिए हाँ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में एक आपने एक ये देखे पड़त कि अब सिके राउत कौन किस्म से प्रस्तुत होते निकट भविष्य में अगर सिके राउत जना कि दूटा दल है वही किस्म से सिके राउत से प्रस्तुत होते तब तक काल जाके जना मधेश के राजनीति आजकल मधेश के राजनीति में बहुत फैक्टर से एक सिद्धांत एक जना के गत चुनाव में एक राजनीतिक हवा शुरू रहे आंदोलन के तसे पहले के आंदोलन के प्रभाव रहे अब नेक्स्ट चुनाव के बाद फिर कौन जी राजपा बात कर रहा है अपने के आंदोलन के थर्ड आंदोलन के बात करे तीसरा आंदोलन की बात कर रहा है वास्तविक आंदोलन जगह में राजपा सफल हो कि ना हो जो आंदोलन के संभावना हालांकि हमें अभी छिन बुझा रहा है हमें व्यक्तिगत रूप से मतलब सी के राउत के आब वो कथी करते नहीं समझौता तो भ गए बुंदा के लेकिन आप व्यवहार में कथी करे से डॉक्टर सी के राउत या गठबंधन से निर्दिष्ट करते मधेश के राजनीति आप की केना के आगे बढ़ निश्चित रूप से मतलब एक दूसर के माने प्रभाव प्रभाव के मतलब जनित प्रभाव भाषा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी अपने जो मौका दिलो अपने खास करके ये अपन टीवी के बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकबिंद ओछले तो भरत बिमल यादव वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आ राजनीतिक विश्लेषक हुनका से आज बातचीत करे छलिए जे पिछला राजनीतिक घटनाक्रम किछ परिवर्तन भेलै यऽ 11 बुंदा के सहमति सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच भेलै यऽ ई सहमति से देश आ मधेश में केहन किस्म के प्रभाव पड़ते विशेष कर मधेश के राजनीति में केहन किस्म के प्रभाव पड़ते इहे सब विषय में बातचीत करे छलिए बेस्त नमस्कार।